नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं दाल पालक, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये लिया है मैंने 1/4 कप दाल, अरहर की दाल लिया, और ये लिया है चने की दाल 1/3 कप है, और इसी कप से 1 कप हम मूंग की दाल भी लेंगे। बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और अच्छे से 4 से 5 बार हम धो लेते हैं। 4 से 5 बार धो लिया है मैंने, इसीलिए 4-5 बार धोया है कि इसमें जो पाउडर रहता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम या आधे घंटे ढककर रख देंगे ताकि दाल हमारी सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों, दाल हमारी भीगे हुए 30 मिनट हो चुका है, और ये लिया है मैंने 500 ग्राम पालक। साफ करके अच्छे से इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम पालक डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। अभी भीग कर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तो हम दाल को भी डाल देते हैं। दाल और पालक को एक साथ हम बॉईल करेंगे। यहीं पे डाल दे रही हूँ मैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। आप एक बार ट्राई करके देखना दोस्तों, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इस तरह से खड़े लहसुन की कलियाँ जब हम दाल में डालते हैं, आधा चम्मच यहीं पर डाल देंगे हल्दी, और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, और पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सारी सामग्री को हम चम्मच से एक बार इस तरह अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छे से पानी में घुल जाए। और ढक्कन लगाकर हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे ताकि हम चने की दाल डाले हैं तो दाल और पालक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एकदम पक। गैस को जला लिया है मैंने, और रख देते हैं 4-5 सीटी आने तक हम पकाएंगे। प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो गया है, और खोल के देख लेते हैं। दाल और पालक दोनों बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए, ये देखिए, एकदम गल गया है। बस इसी तरह से हम थोड़ा सा इसी करछी से चला लेंगे, मिला लेंगे। रख दिया है कढ़ाई, और डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच घी। 2 चम्मच भर के डाल दिया है मैंने। घी को पिघलने देते हैं अच्छे से। घी हमारा पिघल गया है, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं जीरा 1/6 चम्मच। जीरा चिटकने लग गया है, और अब हम डाल देंगे हींग। यहीं पे हम डाल देते हैं कटी हुई कुछ अदरक, लिया है मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है मैंने काट कर बारीक सा, और 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी डाल देंगे। चला लेते हैं प्याज को, हम हल्का ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारा हो गया है, तो यहीं पे मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, काट कर बारीक बारीक एकदम काट लिया है मैंने। आप चाहें तो पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। चला लेते हैं, टमाटर को गलने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे गल गए हैं, और यहीं पे डाल देते हैं हम जो डेली यूज़ मसाला करते हैं 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर है 1 छोटा चम्मच। चला लेते हैं, और यहीं पे डाल देंगे हम थोड़ी सी धनिया, और थोड़ी सी रखेंगे गार्निश के लिए। चलाते हुए हम पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, बस 2 मिनट मसाले भुन जाने तक हमें पकाना है। मसाले हमारे पक गए हैं दोस्तों, तो अब हम दाल को पलट लेते हैं। दाल को पलट लिया है मैंने, और अच्छे से चलाकर मिला देते हैं, और 1 उबाल आने देंगे हम। दाल हमारी उबल गई है, और दाल को हम उतार लेते हैं गैस से, और 1 तड़का हम और लगाएंगे। ये 2 चम्मच घी ले लिया है मैंने 1/6 चम्मच। दोस्तों, घी हमारा गर्म हो गया है, और यहीं पे 4 से 5 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां थी जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, और डाल देते हैं घी में। बहुत बढ़िया स्वाद आता है दोस्तों। दाल के साथ पालक उबालने से बहुत आसानी से हमारा दोनों काम हो जाता है, अलग से पालक उबालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। हल्का सा ब्राउन कलर आने देंगे, और यहीं पे डाल देते हैं साबुत 2 लाल मिर्च,
हमारा हो गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम धीरे धीरे इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देते हैं। एक बार आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और थोड़ा सा ये मैंने अदरक का बारीक बारीक काट लिया है। तो दाल हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट बनी है दाल। मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।